हेलो स्टूडेंट्स, अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह राजावत और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 9th स्प्रिंट बैच के नंबर सिस्टम चैप्टर का लेक्चर नंबर 11। लेक्चर नंबर 11 में हम दो मेजर टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। एक तो हम देखने वाले हैं कि किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो कैसे एग्जिस्ट करता है, और उसके बाद में उससे पहले हम ये देखने वाले हैं कि किसी भी एक रियल नंबर को जो कि बड़ा नंबर है, जैसे इस टाइप का नंबर हो 4.62 है, इसको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए जो मेथड हम फॉलो करेंगे वो है सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। ये क्या होता है मैं आगे समझाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने इससे पहले के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उन लेक्चर्स को जाके देख लीजिए, उसके बाद में इस लेक्चर को देखना स्टार्ट कीजिए, जिससे कि आप लोगों के को इस लेक्चर को समझने में आसानी होगी। और इसके साथ ही एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो देखो क्या है, विजुअलाइजेशन ऑफ ए रियल नंबर बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। हमें क्या करना है, विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज मतलब एक्चुअल में दिखा के बताना, देखो हाँ ये रियल में ऐसा बनेगा। यहाँ पे सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन का क्या मतलब है उसको ऐसे समझो, जैसे मान लो कि ये कोई एक लाइन है, इस लाइन को हमने क्या किया यहाँ पे मैग्नीफायर, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है उससे मैग्नीफाई कर दिया। तो जब मैग्नीफाई करेंगे तो ये कैसी दिखाई देगी, हमें बड़ी दिखाई देगी। उसके बाद में क्या किया, सक्सेसिव लगातार, फिर हमने क्या किया कि इसको फिर से क्या कर दिया, मैग्नीफाई कर दिया, तो ये हमारे को कैसा दिखाई देगा, और बड़ा दिखाई देगा। तो जो एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं बायोलॉजी लैब वगैरह में, तो वो क्या करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं, तो क्या करते हैं जूम करके देखना होता है उनको। आप लोगों ने भी देखा होगा कई बार आपके मोबाइल में भी फोटोज वगैरह होती है, उसको आप क्या करते हो जूम करके देखते हो, वो मैग्नीफाइंग करते हो एक तरीके से, देख लो ठीक है। तो हमारा जो कैमरा होता है वो क्या होता है, उसका मैग्नीफाइंग पावर थोड़ी कम होती है, तो थोड़ा सा जूम करने के बाद में और ज़्यादा जूम नहीं होता। लेकिन अगर आप सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन करोगे, इसका फिर से करोगे, फिर लगातार करते जाओगे, तो इस मेथड को फॉलो करके हमारे को क्या करना है, ऐसे नंबर्स को किस पर रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करता है। तो मैं इन दोनों क्वेश्चंस को आप लोगों को करके बताता हूं, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो 4.62 है, पहले तो ये देखो ये 4.62 कहां लाई करेगा, 4 point something है, यानी 4 से तो बड़ा होगा, 5 से छोटा होगा। तो देखो यहां कहीं 4 है, यहां कहीं 5 है, तो ये नंबर कहीं बीच में लाई करेगा। अब कहां होगा, देखो यहां 1 है, यहां एक पार्ट किया मैंने, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10। देखो ये वाला पॉइंट क्या होगा, 4.1, ये होगा 4.2, 4.3, 4.4, 4.3, 4.4, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ, एक नंबर यहाँ लिख देता हूँ, ये 4 है तो ये 4.1 होगा, ये 4.2 होगा, ये 4.3 होगा, ये 4.4 होगा, ये बीच में 4.5 होगा, ये 4.6 होगा, ये 4.7 होगा, ये 4.8 होगा, और यहाँ कहीं 4.9 होगा, ये 4.10 यानी 5 बन जाएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हमें क्या पता करना है कि वो सेक्शन पता करना है जिसमें ये लाई कर रहा है, तो 4.6 यानी यहाँ तो है, यहाँ तक तो पहुँच गए हम ठीक है। मैं इसको दूसरे मार्कर से समझाता हूँ। तो देखो हम कहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक पहुँच गए, और 4.7 नहीं हुआ अभी, मतलब इससे तो पहले, मतलब ये जो नंबर है एक्चुअल में कहाँ लाई कर रहा होगा, 4.6 और 4.7 के बीच में। तो अब हमें तो 4.62 रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको मैग्नीफाई कर देंगे। मैग्नीफाई करने का मतलब है इसको हमने जूम कर दिया, मैग्नीफाइंग करके क्या किया, अब देखो ये नंबर हमारा ये ऐसा बन गया लाइव, यहाँ हमारा 4.6 है, यहाँ कितना है 4.7 है। अब इसके बीच में फिर से क्या कर दो, 10 पार्ट्स कर दो, तो क्या होगा, यहाँ बनेगा 4.61, यहाँ होगा 4.62, यहाँ बनेगा 4.63, यहाँ बनेगा 4.64, यहाँ कहीं बनेगा 4.65, यहाँ 4.66, 4.67, 4.68, 4.69 और 4.7 आगे क्या हो जाएगा, 69 के बाद में 7। अब हमें कितना रिप्रेजेंट करना है, 4.62, तो वो कहाँ होगा, वो नंबर होगा हमारा यहाँ, ये नंबर क्या हो गया 4.62। आई होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फर्दर मैग्नीफाइंग करना होता तो जैसे मान लो कि यहाँ पे इस नंबर को हम करके देखेंगे अभी आगे, तो कुछ और होता, 1 भी होता,
तो 4.62 कौन सा है, ये रहा 4.62 और फिर 4.63, इस दोनों को फिर से क्या कर देते, मैग्नीफाई कर देते, तो फिर वहां जो भी नंबर आता वो हमारा क्या हो जाता, रिप्रेजेंट हो जाता। आई होप ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, इसी के साथ फिर हमारा ये वाला टॉपिक फिनिश हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वाला टॉपिक करेंगे। क्या बोला है, विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5.37 बार। 7 बार का मतलब क्या है, 5.3777 चलता रहेगा ऑन द नंबर लाइन अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो 5.377 मतलब यहां तक हमारे को क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है। भाई 7 तो बार बार आएगा, तो लेकिन हमें दो ही प्लेस और मतलब दो ही 7 लेने हैं, जिससे कि डेसिमल प्लेस कितने होंगे, 3 होंगे। हमें इसको रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले 5 और 6 के बीच में आएगा 5 पॉइंट समथिंग है, तो यहां कहीं 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, तो ये जो नंबर होगा वो इसके बीच में होगा, तो हम इसको मैग्नीफाई कर देते हैं पहले, तो क्या बनेगा, इधर यहां बनेगा 5, यहां बनेगा कहीं 6, 10 पार्ट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये क्या बनेगा 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 और 6 बन जाएगा। अब 5.3 और 7, 5.3 से तो बड़ा होगा, 5.4 से छोटा होगा, तो वो कहाँ होगा, कहीं इन दोनों के बीच में होगा, तो इसको मैग्नीफाई कर दो, तो ये क्या बनेगा, अब यहाँ हो गया 5.3, यहाँ हो जाएगा 5.4, तो यहाँ क्या बनेगा 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.39। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और फिर 5.37 फिर से 7 है, तो 5.37 से बड़ा है, 5.38 से छोटा होगा, तो मतलब यहाँ क्या करना पड़ेगा, इसका फिर से सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन करना पड़ेगा हमारे को, मतलब मैग्नीफिकेशन करना पड़ेगा, लगातार कर रहे हैं इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। तो अब यहाँ कितना होगा 5.37, यहाँ कितना होगा 5.38, और यहाँ बीच में क्या होगा 5.371, 5.372, 5.373, 5.374, 5.375, 5.376 और 5.377, 5.378, 5.379 और 5.37, ये 9 के बाद में 0 बनेगा, मतलब अगला 10 बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा 8 बन जाएगा, यानी 5.38। तो हमें तो कितना रिप्रेजेंट करना था, 5.377, तो वो कहाँ होगा, वो कहीं यहाँ पे हमारा रिप्रेजेंट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे और करना होता, 4 डेसिमल प्लेसेस तक करना होता, तो फिर से क्या कर देते, इसको मैग्नीफाई कर देते। ये भी आप लोगों को एक एक्सरसाइज गिवन है, तो आप लोग ये सोल्व करना, आई थिंक 1.2 एक्सरसाइज इसी के ऊपर बेस्ड है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ करके वीडियो को पॉज करके, फिर हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एग्जिस्टेंस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए रियल नंबर। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा टफ टॉपिक है, अजीब सा टॉपिक है, इसलिए ध्यान रखना, थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करना, अगर समझ में नहीं आता है तो रिवाइंड करके देखिए, फिर भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके बताइए, कोशिश करूंगा मैं कि नेक्स्ट किसी लेक्चर में आप लोगों को ये वापस से एक बार एक्सप्लेन कर दिया जाए। ध्यान से समझना क्या है टॉपिक का मीनिंग क्या है, पहले ये समझते हैं। अभी हमने क्या किया था, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने रूट टू, रूट थ्री, रूट फोर, मतलब रूट फाइव, इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखा था, इरेशनल नंबर्स थे। अब इरेशनल नंबर्स में क्या हो सकता है, जैसे कि रूट के अंदर कोई पॉइंट में नंबर आ गया, जैसे यहाँ पे 9.2 आ गया, कुछ ऐसा आ गया, तो इस 9.2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, एक तो ये तरीका हमारे को देखना है। दूसरा क्या है इस मेथड, मतलब इस मेथड में हम एक तो ये सीखेंगे कि अगर कोई डेसिमल में नंबर आ जाता है, उसका रूट हो, तो उसको कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे कि कोई एक पॉजिटिव नंबर है, तो उस पॉजिटिव नंबर का कोई स्क्वायर रूट निकाला जाए,
तो क्या वो स्क्वायर रूट रियल में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? या पता चल रहा है कि रूट के अंदर नेगेटिव बन गया मान लो। तो जैसे हम लोग मान लो ये बोलना चाह रहा है कि जैसे हम एक नंबर है वाई, इस वाई का स्क्वायर रूट निकालने बैठ रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि इसका रिजल्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब है कोई ऐसा रिजल्ट आ रहा हो जो हमने आज तक पढ़ा ही नहीं हो। तो हम इस टॉपिक में यही देखेंगे कि जितने भी रियल नंबर्स होते हैं ना, सभी रियल नंबर्स का क्या होगा, पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स का पॉजिटिव स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जाता है, ठीक है, और वो क्या रियल में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। हम इसका एक प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर को मैं आप लोगों को करके बताता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे इसको मैं प्रूफ करके भी बताऊंगा मैथमेटिक्स की हेल्प से। अभी हम इसको ज्योमेट्री की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो क्या बोला है, स्टेप्स जो जो मैंने लिखी है इसको ऐसे कैसे हमें फॉलो करना है। जैसे मान लो कोई नंबर है हमारे पास 9.2 है, इसको हमने एक्स नाम दे दिया, हमें इसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है ये हमें बताना है। तो देखो एल्गोरिथम क्या है इसकी, एल्गोरिथम मतलब होता है पूरा प्रोसीजर क्या है। ऑप्टेंड द आर प्लस, आर प्लस का मतलब है पॉजिटिव कोई रियल नंबर हमारे को फाइंड करना है। मान लो कि उसको क्या ले लिया x, यहाँ पे जो है x वो कितना है 9.2, हमारे को ये बताना है कि रूट x वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, और वो होगा तो कितना होगा। तो देखो फिर क्या करना है, ड्रॉ ए लाइन एंड मार्क ए पॉइंट ए ऑन इट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं अपने मन से बड़ी सी, और यहाँ पे एक पॉइंट ए मार्क कर दिया। हमने पहले एक एक्स मान लिया था, कोई भी नंबर हो सकता है एक्स, जैसे 4.2 होता तो यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या होता, 4.2 हो जाता। मार्क ए पॉइंट बी सच देट ए बी इज इक्वल एक्स। अब इस लाइन पे हमारे को क्या करना है, एक पॉइंट बी ऐसा मार्क करना है जिससे कि ये जो लेंथ है वो कितनी हो जाए, ए बी बराबर हो जाए एक्स। तो ए बी कितना है एक्स। आई होप ये चीज भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट क्या है, फ्रॉम बी मार्क ए डिस्टेंस ऑफ वन यूनिट एंड मार्क द न्यू पॉइंट एच सी। हमें क्या करना है, बी से एक यूनिट की डिस्टेंस लेनी है यहाँ पे, ये एक यूनिट डिस्टेंस है, और यहाँ पे क्या पॉइंट मार्क कर देना है, सी वाला पॉइंट मार्क कर देना है। अब ये पूरा क्या बन चुका है मुझे बताओ, ये पूरा बन चुका है एक्स प्लस वन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ए सी बराबर क्या बन गया हमारा, एक्स प्लस वन। तो फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अब ये जो ए सी बना है जो कि x प्लस वन है, इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट कैसे फाइंड किया जाता है वो भी समझ लो। देखो हमें क्या करना है, ये जैसे लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट में क्या करोगे, कंपास को इस लाइन सेगमेंट के अंदाजे से हाफ से ज़्यादा ओपन कर लो, ठीक है। एक मार्क, एक आर्क इधर ड्रॉ कर दो, एक आर्क ऊपर ड्रॉ कर दो, बिना कोई मॉडिफाई करे एक आर्क यहाँ से उतनी लेंथ का यहाँ ड्रॉ कर दो, यहाँ ड्रॉ कर दो, दोनों को क्या करो ज्वाइन कर दो, तो ये कहलाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसको क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और जो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसका जो है मिड पॉइंट है ये हमारा ओ बन जाएगा, मतलब ये ए बी था तो ये बन गया इसका मिड पॉइंट। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई हो। हमें क्या करना है, ए सी का मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, एक आर्क यहां बनाएंगे, एक आर्क यहां बनाएंगे, दोनों को डॉट डॉट लाइन से क्या कर दिया मैंने, मान लो ज्वाइन कर दिया यहाँ, ठीक है, यहाँ प्लस है ध्यान रखना, और यहाँ बन गया कौन सा पॉइंट, ओ, ये मिड पॉइंट है किसका, ए सी का। ध्यान रखना ए बी का नहीं है, ए सी का है जो कि एक्स प्लस वन है टोटल, ठीक है। जैसे मान लो ये 5.2 होता एक्स, तो वन ऐड करते तो कितना बनता, 6.2, तो 6.2 का मिड पॉइंट कितना आता, 3.1, तो ये वाला पॉइंट कौन सा है, 3.1 वाला। आई होप आप लोगों को यहाँ तक बात समझ में आ गई हो। अब क्या करना है, ड्रॉ ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस ओ सी। अब हमें क्या करना है, कंपास को लेना है, कंपास में निप ओ बी, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। देखो जब ये मिड पॉइंट है तो ये भी मैं लिख देता हूँ, जो ओ ए है वो किसके बराबर होगा, ओ सी के, क्यों, क्योंकि ओ क्या है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ए सी का मिड पॉइंट था इसलिए ओ ए और ओ बी, ओ सी बराबर होगा। तो हमें क्या करना है, ओ बी या ओ सी के बराबर क्या करो, कंपास को ओपन कर लो, यहाँ पे सेंटर मानो, और एक क्या बना दो, सर्कल। अब सर्कल पूरा मत बनाना, सेमी सर्कल बना लो, तो जो भी सर्कल बनाओगे वो क्या होगा, जैसा कुछ ऐसा बनेगा, वो इससे भी पास होगा, इससे भी पास होगा, क्यों, क्योंकि इतनी लेंथ का बना रहे हैं ना, तो सर्कमफ्रेंस की जैसे काम कर रहा है, और सर्कमफ्रेंस का कोई भी पॉइंट होगा उससे पास होगा। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 6।
आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ। एक लाइन बनानी है अपने मन से, जो भी नंबर हमारे को स्क्वायर रूट में जो दे रखा है उसके उसके बराबर लेंथ का क्या करना है, दो पॉइंट ड्रॉ करने हैं ए और बी। फिर जो भी लेंथ आप लोगों ने मानी उसे एक ज़्यादा पे एक पॉइंट बनाना है, और एक ज़्यादा पे जो पॉइंट बन गया और स्टार्टिंग में ए जो पॉइंट माना था उन दोनों का क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है, यानी मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट फाइंड करने के बाद में मिड पॉइंट को सेंटर लेके हमारे को क्या करना है, इतनी लेंथ का क्या करना है, एक सर्कल बनाना, सेमी सर्कल बना लेना। पूरा नीचे वाला पार्ट हमारे काम में नहीं आएगा, इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सेवन्थ स्टेप। ड्रॉ ए लाइन परपेंडिकुलर टू एसी। अब क्या बोला है, एसी के परपेंडिकुलर एक लाइन बनानी है, एसी ये रहा परपेंडिकुलर, पासिंग थ्रू बी। कहाँ से पास होनी चाहिए, बी से पास होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे हमें 90 डिग्री बना देना, तो आप चाहो तो डी के एल से बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन बना दी है, यहाँ पे किसके परपेंडिकुलर, एसी के परपेंडिकुलर। यहाँ तो देखो ये लाइन बना दी हमने, डॉट 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 लाइन मोल देता हूँ उसको, ठीक है। और ये क्या कर रही है, पासिंग थ्रू बी, जो कि किससे पास हो रही है, बी से पास हो रही है, एंड इंटरसेक्टिंग द सेमी सर्कल। ये जो सेमी सर्कल बना था ना, इसको कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, डी पे इंटरसेक्ट कर रही है। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होगी। यहाँ तक सिक्स स्टेप के बाद में क्या करना है, हमें क्या करना है, ए सी के परपेंडिकुलर एक लाइन बनानी है, जो कहाँ से पास होनी चाहिए, बी वाले पॉइंट से, जो आगे जाके इस सेमी सर्कल को कहाँ कट करेगी, डी वाले पॉइंट पे कट करेगी। अब ये जो बी डी वाली लेंथ है ना, ये लेंथ यही लेंथ एक्चुअल में हमारी कितनी है, रूट एक्स के बराबर है। अब जब ये लेंथ पता चल गई तो हमें क्या करना है, इसको इसके बराबर लेंथ को क्या करना है, इसके ऊपर ड्रॉ करना है। तो हम क्या करेंगे, अब आगे इतनी लेंथ का क्या बना देंगे, आर्क बना देंगे। भाई यहाँ पे बी को सेंटर मानो, और बी को सेंटर मान के क्या बना दो, एक जैसे यहाँ पे ये भी कर देता हूँ, जैसे बी को सेंटर माना हमने, और बी को सेंटर मान के बी डी बराबर रूट एक्स के बराबर क्या कर दिया, एक आर्क ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो कितनी आ जाएगी, रूट एक्स हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि जितना ये होगा आर्क ड्रॉ करने पे उतना का उतना क्या होगा, ये होगा। तो ये जो लेंथ है इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ ई। तो जो बी ई है यही हमारा कितना है, रूट एक्स के बराबर है। ये तो पढ़ा हमने, प्रैक्टिकली करके देखा कि एक एक चीज़, ये स्टेप सारी आप लोगों को याद हो जानी चाहिए। एक क्वेश्चन मैं नेक्स्ट स्लाइड पे कराने वाला हूँ सेम तरीके से। अब हमें ये देखना है कि भाई ये रूट एक्स आया, ये मैंने बोला है, डायरेक्ट बोल दिया कि रूट एक्स आया। अब हमें प्रूफ करके भी देखना है, क्या सच में ही रूट एक्स आएगा या कुछ और आ रहा है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे क्या करते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं, और इसके बाद में क्वेश्चन करते हैं। इसी के साथ फिर हमारा ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो इसे आप अच्छे से समझ समझ के नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर। तो देखिए, अब अभी जो हमने पढ़ा है उसको प्रूफ करके देखते हैं, क्या सच में ही रूट टू आएगा उसकी वैल्यू। मतलब हमने क्या किया था अभी, बी डी, हमें प्रूफ क्या करना है कि जो बी डी है, ये वाला बी डी, वो कितना आना चाहिए, रूट एक्स आना चाहिए, सॉरी रूट टू बोल दिया गलती से, रूट एक्स आना चाहिए। ये हमारे को प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए देखो, जो नीचे अभी यहाँ मैंने डायग्राम बनाया था उसको मैंने यहाँ बना दिया। अब चीज़ों को ध्यान से समझना, वो हमें जो पहले क्या क्या दिख रहा है वो चीज़ें हम यहाँ नोट कर लेते हैं। तो देखो, ए बी हमने कितना लिया था, एक्स, तो मैंने ए बी की जगह एक्स लिख दिया। फिर बी को हमने सी तक वन यूनिट एक्सटेंड किया, तो बी सी बराबर कितना है, वन यूनिट। तो अब ए सी अगर निकालना है तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन। तो ए सी कितना हो गया, एक्स प्लस वन। आई होप आप लोगों को ये तीनों तो समझ में आ गया होगा। अब हमने फिर क्या किया था, ये ए सी का इंटरसेक्शन किया था, मतलब मिड पॉइंट फाइंड किया था ओ। तो यहाँ क्या है, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। यही तो किया था नेक्स्ट स्टेप में कि ए सी का मिड पॉइंट फाइंड करो ओ। तो जब ये मिड पॉइंट है तो ओ ए और ओ सी दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और किसके बराबर होंगे भाई, इस ए सी का मिड पॉइंट है तो ए सी का आधा पार्ट ये रहा, आधा पार्ट ये रहा। तो ए सी बाई टू और ए सी बाई टू हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे दोनों, तो ओ ए और OC दोनों बराबर होंगे, क्योंकि O मिड पॉइंट है, और साथ में किसके बराबर होंगे, AC के हाफ के। तो AC बाई टू किसके बराबर होगा, OA और OC के बराबर। आई होप ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब AC कितना है, X प्लस वन। तो
तो मैंने एस सी की जगह पे क्या लिख दिया, एक्स प्लस वन डिवाइड बाई टू, ये हमारे यूज होंगे इसलिए मैंने सब लिख दिया, जो जो चीज़ें मुझे दिख रही थी वो लिख दिया। अब साथ में क्या करना है हमारे को, ओ को किससे ज्वाइन करना है, डी से, ओ को ज्वाइन करना है डी से। अब ध्यान से समझना, हमने क्या किया था, ओ को सेंटर मान के सेमी सर्कल बनाया था। तो देखो ओ ए फिर ओ डी और ओ सी, ये तीनों के तीनों रेडियस है ना, तो हम बोल सकते हैं ज्वाइन ओ को डी से ज्वाइन किया, और हम बोल सकते हैं ये ओ ए और ओ सी दोनों के बराबर होगी, रेडियस ही तो है भाई, सेमी सर्कल के ऊपर जो भी पॉइंट होगा वो उसके सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो यहाँ से देखो ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर क्या है, एक ये पॉइंट है, तो ये ओ ए ओ डी ओ सी यहाँ कोई होता तो वो भी इसके बराबर होता, तो ये तीनों पॉइंट्स बराबर होते। तो यहाँ से ये भी समझ में आ गया कि जो ओ डी है वो कितना आएगा, ओ सी के बराबर ही होगा, कितना, x प्लस वन डिवाइड बाई टू। आई होप ये चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हमें तो केवल इससे मतलब है, हमें निकालना है बी डी, यहाँ है बी, ध्यान रखना, हमें बी डी से मतलब है, ये प्रूफ करना है कि बी डी जो है वो कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए कैसे भी सोल्व करके। तो अब हम क्या कर रहे हैं, तो देखो मुझे बताना, क्या इस ए बी को मैं अगर ए बी में से इस ओ ए को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, ध्यान से सुनना, ए बी में से ओ ए को सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये वाला पार्ट बचेगा क्या, मैं वापस यहाँ समझाता हूँ। देखो ये है ए, ये बी, यहाँ कहीं ओ है, अगर इस पूरे में से मैं इतना पार्ट रिमूव कर दूँ तो क्या ये वाला पार्ट बचेगा क्या। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये पूरा पार्ट ए बी है, इसमें से मैंने माइनस कर दिया कितना ओ ए, तो बाकी बचेगा पार्ट कितना है ओ बी। तो ओ बी कैसे निकाला जा सकता है, ए बी माइनस ओ ए करके। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं, तो ए बी कितना था एक्स, माइनस ओ ए कितना है एक्स प्लस वन डिवाइड बाई टू। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लो, कितना आएगा टू आएगा, नीचे वन लगा दोगे तो वन और टू का एलसीएम टू आ गया, इसको टू को वन से डिवाइड करोगे टू टाइम होगा, टू को एक्स से मल्टीप्लाई किया टू एक्स, बीच में माइनस है तो माइनस, फिर टू इस टू को टू से डिवाइड करोगे वन टाइम होगा, वन को एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स प्लस वन, ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि ये दो एक साथ हैं दोनों टर्म्स, तो बाकी माइनस से क्या होंगे मल्टीप्लाई भी होंगे। तो देखो ये क्या बना, टू एक्स माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, माइनस का वन डिवाइड बाई टू, टू एक्स माइनस एक्स कितना होगा एक एक्स और माइनस वन, यानी इसका रिजल्ट क्या है एक्स माइनस वन डिवाइड बाई टू, कितना आ गया ओ बी। आई होप ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हमें तो ओ बी से कोई मतलब नहीं है, हमारे को ओ डी से भी कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है बी डी से, बी डी निकालना है। तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक ट्राइंगल ले रहा हूँ, कौन सा वाला ट्राइंगल पिक कर रहा हूँ, ट्राइंगल ओ डी बी या ओ बी डी, ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ, और इस वाले ट्राइंगल में क्या लगा रहा हूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ। पाइथागोरस थ्योरम भी मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि जैसे यहाँ पे बताया था ना कि ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी तो यहाँ 90 होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से क्या होगा, 90 के ऑपोजिट साइड यानी OD का स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड्स यानी OB और BD, OB इसका स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर दोनों का सम करोगे तो इसके बराबर आएगा। OD कितना है, OD है हमारे पास ये रहा, देखो सॉरी कहाँ है ये रहा, वो कितना है x प्लस वन डिवाइड बाई टू का होल स्क्वायर बराबर। ओ बी कितना है, ओ बी भी हम निकाल चुके हैं, कितना है ओ बी बराबर x माइनस वन डिवाइड बाई टू का होल स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, हमें बी डी से मतलब है। तो बी डी को एक तरफ रखो, इसको इधर ले आओ, तो मैं बी डी स्क्वायर को इस साइड लिख रहा हूँ राइट, भाई ये राइट हैंड साइड में था, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया, और लेफ्ट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड में लिख दिया, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि राम अगर श्याम के बराबर तो श्याम राम के बराबर तो हो गई, तो उस तरीके से ठीक है। तो इसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ, तो माइनस में होगा, ये पहले से था, कितना x प्लस वन डिवाइड बाई टू का होल स्क्वायर माइनस, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो x माइनस वन डिवाइड बाई टू का होल स्क्वायर। अब देखो आप चाहो तो इसका होल स्क्वायर कर दो, इसका होल स्क्वायर कर दो, वो लेंथी हो जाएगा। एक तरीका है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का बन गया, तो इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं कि ये हो जाएगा a माइनस बी, ए की जगह पे x प्लस वन डिवाइड बाई टू माइनस बी की जगह पे x माइनस वन डिवाइड बाई टू। मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, यहाँ क्या हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी बन जाएगा, भाई ये क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का बन रहा है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी लिखा जा सकता है। तो ए माइनस बी करेंगे तो ए की जगह पे एक्स प्लस वन डिवाइड बाई टू माइनस एक्स माइनस वन डिवाइड बाई टू, फिर मल्टीप्लाई बीच में, फिर कितना आएगा प्लस, यानी एक्स प्लस वन डिवाइड बाई टू प्लस एक्स माइनस वन डिवाइड बाई टू, और साथ में बी डी स्क्वायर इधर चल ही रहा है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। ये थोड़ा सा टफ है, इसको ढंग से एक एक चीज़ समझ समझ के नोट करना पड़ेगा आप लोगों को, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इसका। मैं प्रूफ बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, आप चाहो तो ज़रूरी नहीं है आप लोग प्रूफ देखो, आप केवल जो प्रोसीजर था एल्गोरिथम थी उसको फॉलो करके क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अगर कभी प्रूफ आता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो नीचे एलसीएम टू आएगा दोनों का, तो यहाँ भी टू एलसीएम आएगा, यहाँ भी टू आएगा। तो देखो पहले इधर वाले को करते हैं टू, इस टू में इस टू से डिवाइड करेंगे, वन टाइम होगा, वन को एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स प्लस वन आएगा, बीच में माइनस है, ध्यान रखना ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। फिर इस टू को इस टू से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा वन टाइम, वन को एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स माइनस वन ऐसे कैसे आ गया। फिर अगले वाले पार्ट में भी सेम ऐसा ही आएगा, बस बीच में माइनस की जगह पर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। तो प्लस और अब ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाहर कितना है प्लस है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ क्या होगा, वन से तो वन कैंसल हो गया, वन माइनस वन, एक्स और एक्स कितना हो गया टू एक्स, और डिनोमिनेटर में कितना आया टू, ठीक है। यहाँ क्या आएगा देखो, ये माइनस का एक्स हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का वन हो जाएगा, तो क्या बनेगा देखो, एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन डिवाइड बाई टू। तो ऊपर देखो एक्स माइनस एक्स कितना हो गया जीरो, ऊपर वन प्लस वन बना टू, और टू बाई टू कितना हो जाएगा, मैं यहाँ कर रहा हूँ, ये क्या बन गया अगले स्टेप में, टू बाई टू मल्टीप्लाई टू एक्स बाई टू, देखो इससे ये उड़ा इससे ये उड़ा, फाइनल कितना बना x बना, ठीक। मतलब हमारा अब क्या आ चुका है, बी डी स्क्वायर किसके बराबर आ चुका है, x के बराबर आ चुका है। और अगर बी डी निकालोगे तो स्क्वायर उस साइड जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो हमें यही तो प्रूफ करना था कि बी डी कितना आता है, रूट एक्स आता है। आई होप आप लोगों को इसका प्रूफ भी समझ में आ गया होगा, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। जो जो मैं सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूँ उस तरीके से, पहले ये किया फिर इसके बाद में इस तरीके से नोट करना है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं लास्ट में कि हैंस फॉर एनी आर प्लस एक्स, मतलब कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर एक्स, दियर एग्जिस्ट रूट एक्स, ठीक है। ध्यान रखना कोई भी पॉजिटिव नंबर के लिए रूट एक्स एग्जिस्ट करता है, ये हमने प्रूफ करके भी देख लिया है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग एक एग्जांपल को देखते हैं। तो अब हम अभी जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है उसके ऊपर एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। तो क्या बोला है क्वेश्चन, रिप्रेजेंट 9.3 ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, हमें प्रॉपर तरीके से नहीं करना है, हमें केवल क्या करना है डायग्राम के थ्रू समझाना है कि कितना होगा। तो देखो प्रोसीजर मैंने बताया था, जितने भी स्टेप्स है वो स्टेप्स फॉलो करते हैं, तो मैं यहाँ स्टेप्स नहीं लिख रहा हूँ आप लोगों को, केवल करके बताता हूँ। पहले स्टेप में क्या था, हमने एक लाइन खींचनी है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे खींच देता हूँ मैं, ये लाइन खींचनी है अपने मन से, जिसको नाम दे दिया ओ, यहाँ पे एक और समथिंग कुछ यहाँ पे एक्स वगैरह दे दो, ठीक है। फिर क्या करना है, 9.3 के बराबर लेंथ का एक यहाँ पे पॉइंट मार्क करना है, कौन सा बी, और इसकी लेंथ कितनी है 9.3 सेंटीमीटर वगैरह कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पे ये एक्स का काम कर रहा है, रूट एक्स के जैसे देखो इसको, ठीक है। उसके बाद में बी को वन यूनिट एक्सटेंड करना है, तो कहाँ तक एक्सटेंड हो गया ये, वन यूनिट यहाँ तक, उस पॉइंट को क्या नाम दे दिया हमने, सी नाम दे दिया। फिर क्या करेंगे, ए सी का सेंटर फाइंड करेंगे, मिड पॉइंट, वो कहीं आया मान लो ओ पर, ठीक है, इसको थोड़ा सा और पास कर देता हूँ, यहाँ कहाँ आया सेंटर ओ आया। फिर क्या करेंगे, ओ ए के बराबर रेडियस लेके ओ को सेंटर मान के क्या बनाएंगे, सेमी सर्कल बनाएंगे, ये बना दिया हमने कहीं सेमी सर्कल, यहाँ से जाएगा मान लो, ये किससे भी पास होगा, सी से भी पास होगा और ए से भी पास होगा, ठीक है। फिर क्या बनाएंगे, ए सी के परपेंडिकुलर बी से पास होने वाली एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये देखो जो यहां पे इसको कितने पे कट करके जा रही होगी, डी पॉइंट पे कट करके जा रहा होगा। फिर ये जो बी डी आएगा यही एक्चुअल में कितना है 9.3, लेकिन हमें तो इस लाइन पर रिप्रेजेंट करना है इसको, तो इस लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करें,
रूट 9.3 बन गया हमारा ये BD। तो हम क्या करेंगे, B को सेंटर मानेंगे और B को सेंटर मान के BD की लेंथ का एक आर्क ड्रॉ कर देंगे कहाँ पे, यहाँ पे, जो मान लो कहाँ से कट करके जा रहा है पे। तो ये जो BE आएगा ये किसके बराबर होगा, BD के बराबर होगा, क्योंकि आर्क तो क्या होते हैं, ये सेम पार्ट्स में डिवाइड करेगा ना, ये और ये दोनों बराबर होगा। तो जितना BE है उतना ही BD है, और BD कितना है, रूट 9.3। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आपको स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी वहाँ पे कि सबसे पहले क्या किया, उसके बाद में क्या किया, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आप लोगों को लिखवा चुका हूँ। तो जैसा जैसा वहाँ लिखा था वैसा वैसा क्या करो, एक्स को रिप्लेस करके क्या करना है, केवल 9.3 तो करना है, बाकी तो सब वैसा ही चलेगा हमारा। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा, इसको भी अच्छे से नोट कर लीजिए। इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, रियल नंबर्स के एक्सपोनेंट्स को कैसे सोल्व किया जाता है। तो इसके कम से कम 3 या 4 लेक्चर्स होने वाले हैं। इसी के साथ फिर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप लोगों की कोई प्रॉब्लम है तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले सभी लेक्चर्स के आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहें। तब तक के लिए थैंक यू।